अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज आवर टॉपिक इज बोन। हम देखेंगे कि इस बोन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बोन की कितनी टाइप्स हैं, बोन को किस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट करना है, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे कि हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या हमारी कवर हो रही हैं, क्या वो लेबल हो रही हैं, देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। बोन, बोन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए जिसमें इस तरह से हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन, और आपका आता है ड्रॉ द हाइवर्जन सिस्टम ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। तो हम देखेंगे हाइवर्जन सिस्टम भी आगे इसका, तो अभी देखते हैं कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरी स्पंजी बोन। ओके, कॉम्पैक्ट बोन के कितने पार्ट्स होंगे? कॉम्पैक्ट बोन कंटेन्स फोर पार्ट्स। फोर कौन कौन से पार्ट्स हैं? लेट्स सी। कवरिंग है इसकी, लेमिना है, लेमिला, लेमिले, लेमिले, कैनाल्स, बोनी मैट्रिक्स, बोनी मैट्रिक्स। यहां पे क्या क्या चीजें हैं? कवरिंग इसकी टू कवरिंग्स हैं, आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग। लेमिना आपके क्या है अभी देखते हैं क्या क्या चीजें, पहले देख लें कि इसको क्लासीफाई किस तरह से करना है। इनर सरकम फेरेंशियल, सरकम फेरेंशियल लेमिले, और आउटर सर्कम्फिशियल लेमिले। कैनाल्स दो हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल है, लॉन्गिट्यूडिनल, और हॉरिजॉन्टल। बोनी मैट्रिक्स इज कंसिस्ट ऑफ ओस्टियोन्स। अभी तो ये मतलब सिंपली हमने ये चीजें कहा हुआ ना, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से है, इनको किस तरह से हमने करना है। सबसे पहले तो मैं आपको कार्टून डायग्राम दिखाता हूँ ना, कि कार्टून डायग्राम के अंदर क्या, ये आपकी बोन है, ये ऊपर स्पंजी है, ये कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का लाइक पिज्जा स्लाइस आपने लिया तो आपको पता लगा कि उसका टॉप है और उसकी साइड है। तो जब उसको आपने और क्लियरली देखा तो इसमें आपको ये ऑस्टियोन सिस्टम मिल जाएगा, आपको ये किनाल वाला सिस्टम मिलेगा, आपको ये कवरिंग्स मिलेंगी, और इन कवरिंग्स के अंदर लेमिनाज आपको मिलेंगे। जिस अगर ज्यादा इसको क्लियर करें कि अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से लेते हैं और इसको ऊपर से आप देख रहे हैं तो तब आपको किस तरह से ये लगेगा, तब ये आपको इस तरह से लगेगा कि यहां पे बोन मैरो होगा आपका, यहां पे आपकी इनर कवरिंग होगी, यहाँ पे आपकी आउटर कवरिंग है, फिर यहाँ पे आपका आउटर सर्कम्फिशियल लेमिने है, यहाँ पे इनर सर्कम्फिशियल लेमिने है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सारे का सारा ओस्टियोन सिस्टम है। तो इसको अगर हम इस तरीके से करें, लेट्स सी कि हाउ, ये क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह से हैं। तो Let's see. आउटर है जो सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर जो बोन की सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम है, ओके। उसके बाद जो सबसे इनर वाली है उसे कहते हैं एंडोस्टियम, एंडो मीन अंदर, ऑस्टियम मीन उसकी कवरिंग, एंडोस्टियम इनर कवरिंग है। तो सबसे इनर वाली है ये क्या करती है, लाइंस मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी, बिकॉज के आपकी ये बोन जो है ये इसका आउटर है, ये कॉर्टेक्स है और ये इसका मेडुला, तो ये मेडुलरी कैविटी को कवर कर रही है,
यहाँ पे आपका पेरी ऑस्टियम में क्या क्या चीजें हैं। पेरी ऑस्टियम की टू लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर और दूसरी इनर। इनर आउटर होती है फाइब्रस, ये क्या करती है, प्रोवाइड अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स प्रोवाइड करती है किसको, टेंडन, लिगामेंट्स, एपिनोरोसिस, इन सबको वो अटैचमेंट्स प्रोवाइड करती है। फिर ये सेलुलर है, इनमें सेलुलर लेयर है, ये क्या करती है, इसमें ओस्टियो ब्लास्ट होते हैं। ऑस्टियो ब्लास्ट आपके वो सेल होते हैं जो आपकी बोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ऑस्टियो ब्लास्ट इनएक्टिवेट होते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये एक्टिवेट कब होंगे, जब फ्रैक्चर होगा। व्हेन सम वन गॉट इंजरी या फ्रैक्चर देन दे बिकम एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड और बोन रिमॉडलिंग आ रिपेयर। ओके देन नाउ नेक्स्ट, इनर सर्कमफिशियल लेमिना। इनर सर्कमफिशियल लेमिना क्या चीज है, आपकी वो वाली ये लेयर है जो क्या करेगी, जो कवर करेगी आपकी पेरी ऑस्टियम को इनरली। लाइक अगर यहां पे आपका, और इसको कंपेयर कर लें आप, ये बोन थी ना, तो ये बोन है पूरा बाहर वाला, इसको ऊपर से देखें तो इस तरह, ये इसका बोन मैरो है और ये इसका बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये सारी ये जिसकी लेयर है, तो ये बाहर है। इसको अंदर से, ये जो ब्लू ब्लू मैंने इसको हाईलाइटेड किया हुआ है, तो ये अंदर से कौन इसको कवर कर रहा है, इनर सर्कमफिशियल लेमिना इसको कवर कर रही है। तो इनर सर्कमफिशियल लेमिना कवर्स पेरिओस्टियम इनरली, और आउटर सर्कमफिशियल लेमिना क्या करेगा, कवर्स एंडोस्टियम एक्सटर्नली। कज यहां पे देखें कि ये बाहर है, इसको अंदर की तरफ से किया हुआ है, ये अंदर है और इसको बाहर की तरफ से किया हुआ है, मतलब एंडोस्टियम अंदर की तरफ होती है, ये अंदर की तरफ से कवर कर रही होती है, और पेरिओस्टियम बाहर की तरफ से बोन को कवर कर रही होती है, और इन दोनों की जो इन दोनों को कवरिंग की हुई है, तो वो किया हुआ है इन्होंने लेमिनेज ने इनर लेमिना और आउटर लेमिना और इनर लेमिना। इनर लेमिना कवर्स एंडोस्टियम एक्सटर्नली एंड आउटर सर्कमफिशियल लेमिना कवर्स पेरिओस्टियम इंटरनली। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हमें पूछा भी, वाइवा में पूछा जा सकता है कि बताओ ये इनर सर्कमफिशियल लेमिना या आउटर सर्कमफिशियल लेमिना, ये क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे आपका जो केनाल्स का अगर सिस्टम आ जाए, तो इस डायग्राम को देखें कि यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये हॉरिजॉन्टल है। इनके दूसरे नेम्स भी हैं, लॉन्गिट्यूडनल है तो इनको उन्होंने कह दिया ये सेंट्रल केनाल्स है, सेंट्रल केनाल्स है, ये हॉरिजॉन्टल है, इनको परफोरेशन बोल दिया। परफोरेशन मतलब ये चीरती हुई आ रही है, मतलब पेरिओस्टियम से एंडोस्टियम की तरफ परफोरेटिंग। कज़ी अगर देखा जाए तो ये पेरिओस्टियम और ये एंडोस्टियम, तो ये इस तरीके से ही मूव कर रही है और ये इस तरीके से जा रही है, तो ये इसको परफोरेट कर रही है। तो ये सेंट्रल केनाल्स आ गई आपकी, सेंट्रल केनाल्स के लॉन्गिट्यूडनल केनाल्स हैं, इनको कहते हैं हिवर्जन सिस्टम। ओके, परफोरेटिंग है तो इनको कहते हैं वॉल्कमैन्स केनाल। ऑस्टियोन की बात कीजिए तो ऑस्टियोन में सिर्फ दो चीजें होती हैं आपकी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं और बोनी सेल्स होते हैं, बोन के सेल्स होते हैं। बोन के सेल्स क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑस्टियो ब्लास्ट एंड ऑस्टियो
क्लास्ट, ब्लास्ट का जो फंक्शन है वो है सेंसिस करना आपके अनमिनरलाइज्ड अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स की। इसके अंदर फिर कैल्शियम वगैरह स्टोर होके बोन को हार्ड बना देता है। और क्लास्ट का काम क्या होता है कि ये आपके बोन की रीमॉडलिंग करता है, जो मतलब बोन की अब शेप वगैरह को मेंटेन रखेगा, ना ज़्यादा उसको बढ़ने देगा ना ज़्यादा उसको कम होने देगा, तो ये रीमॉडलिंग करता है बोन की। मतलब इनका जोड़ने का काम है और इनका तोड़ने का काम है, सिंपल। तो और यहाँ पे तो आपका ये सिस्टम हो गया कवर, इसमें बोन के अंदर ये कॉम्पैक्ट बोन के अंदर होता है। अब स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या क्या आएगा? पहली बात, इसमें ऑस्टियोन्स होते ही नहीं है, नो ऑस्टियोन्स। इनमें क्या होता है, इनमें ट्रेबिक्यूली होती हैं, ट्रेबिक्यूली का नेटवर्क होता है। और वो नेटवर्क किस तरह का होता है, हनीकॉम की तरह का। हनीकॉम मीन शहद की जो मक्खी होती है उसका जो घर होता है, जिसको हम कहते हैं मक्खियों का छत्ता, तो उसमें ही होता है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, नो ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे इनकी ट्रेबिकुलीज के दरमियान रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो जो होता है वो फिल्ड हुआ होता है बिटवीन ट्रेबिक्यूली। सो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो है कॉम्पैक्ट बोन, इसको कैसे ड्रा करना है, इसके कौन कौन से हमें सेक्शंस हैं उनको ड्रा करेंगे, तो उससे तो उनको देख लेते हैं। ये डायग्राम है, ये आपके हैं वर्जन के नाल का। अगर आपको आ जाता है वर्जन के नाल उसका सिस्टम बताओ, तो आपने फिर ये और ये डायग्राम आपने बनानी है। ये डायग्राम किस तरह से है, ये डायग्राम जो है ये इस तरीके से है। ये टॉप व्यू वाली डायग्राम इसकी, मतलब ये पिज्जा स्लाइस है, तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। इस ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये जो इसका साइड है ना इसकी, तो इस साइड को यहाँ पे दिखाया हुआ है। हम ये दोनों ड्रॉ करते हैं। और ये जो इसने ऊपर से एक व्यू दिखाया है, टॉप व्यू, एक ओस्टियोन का अकेले का दिखाया हुआ है कि ओस्टियोन ऊपर से किस तरह से लगता है। मतलब एक ओस्टियोन है, ये देखे ना, इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ओस्टियोन जा रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया हुआ है कि इनके अंदर कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, जो कि एक दूसरे से अलहदा अलहदा होती हैं, और उनके गिर्द ओस्टियोन ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो सर्कली इस तरह से अरेंज होते हैं। ये देखें सर्कली अरेंज है, हर कॉन्सेंट्रिक रिंग के अंदर, हर सर्कुलर रिंग के अंदर ओस्टियोसाइट्स अलहदा अलहदा से अरेंज है। सो लेट्स ड्रॉ दिस थ्री डायग्राम्स। तो इनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इट्स सो सिंपल सो इजी। जस्ट आपने अगर इस फ्लो चार्ट को फॉलो कर लिया तो आपकी तकरीबन डायग्राम्स हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहली लेयर बनाएंगे पेरिओस्टियम की। पेरिओस्टियम की लेयर के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट लगाएंगे, तो आपने इसको सर्कल है ना, क्योंकि बोन इज सर्कल, तो इसको सर्कुलरली आपने ड्रॉ करना है। फिर आपने क्या करना है, और इसको यहां से आपने थोड़ा सा इसको लाइटली कर देना है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। फिर ये होगी पेरिओस्टियम। अब पेरिओस्टियम को इनरली किसने कवर किया होता है, इनर सर्कमफिशियल लेमिना ने। इसकी आपने क्या करना है, इसकी जस्ट आपने जगह छोड़ देनी, इसको आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इसकी जगह छोड़ दें यहां से। और आप अपने आए किसके ऊपर, इनके ऑस्टियोन्स के ऊपर आए, इनके ऊपर। तो हम देखते हैं ये ऑस्टियोन्स किस तरह से इन्होंने बनाए हुए हैं और हमने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। जस्ट आप सर्कल्स लगाएं,
सो क्या अगर आप इसका इस तरह से भी कर देते हैं, इसको तो कोई इतना बिग इशू नहीं है। ओके सेम इसी तरीके से यहां पे भी आपने जैसे पेरिओस्टियम बनाया, यहां पे एंडोस्टियम भी आपने बनानी है। यहाँ पे ये जो दो खाली जगह है, ये वाली और एक ये वाली, ये आपके शो कर रही है आपके इनर सर्कम्फिशियल लेमिना को और आउटर सर्कम्फिशियल लेमिना को, और यहाँ पे अब आपके आगे ऑस्टियोन्स। ऑस्टियोन्स बहुत आसान है, बहुत आसान है बनाना, के इनमें और सर्कल्स बनाते जाएं। अब आपने क्या यहां पे बनाने हैं अपनी ऑस्टियोसाइट्स। राइट वाली बनाई गई थी, बाहर नहीं बनानी, लेकिन मुझसे गलती हो गई यहाँ पे छोटी सी, मैंने बाहर बना दी है इसका, तो मुझे इसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। बाहर वाली लेयर पे आपने ऑस्टियोसाइट्स नहीं बनानी। ओके बाकी आप इस तरह से यहाँ पे शो कर देंगे, यहाँ से कट गया हुआ ये पीस, और यहाँ पे भी था एक, और यहाँ पे भी इसी तरह से दैट्स गुड। यहाँ पे भी आपने अब इसके ऑस्टियो साइट्स पे डाल देनी है। कोई जगह आपने छोड़नी नहीं है इसकी, कोई भी। बस ये एक और यहाँ पे गलती, यहाँ पे ये सेंटर वाली में आपने ये नहीं बनानी, ये वाली नहीं बनानी, क्योंकि ये आपकी दूसरी वाली कनाल है ना, इनमें नहीं आपने बनानी है। बस आउटर वाली और इनर वाला जो सर्कल है, इन पे आपने ऑस्टियोसाइट्स को नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि
क्योंकि ये आपके कौन से ये वर्जन्स कैनाल है जहाँ पे आपकी आर्टरी नर्व्स और वेन्स पास होती हैं, तो यहाँ पे नहीं करना। बाकी अब सबको यहाँ पे क्या कर दें, वही काम जो हम डिफ्रेंशिएशन के लिए करते हैं, डार्कन करना थोड़ा सा इसको। जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपने आउटर सर्कमफिशियल लेमिनी छोड़ी हुआ है इसको आपने कुछ भी नहीं करना, और आपने जो ये इनर सर्कमफिशियल लेमिनी छोड़ा है इसको भी, क्योंकि इन दोनों को वाइट रहने देना, क्योंकि इनको लेबल जब करेंगे तब आपको बताता हूँ। ऑस्टियोन्स का भी ख्याल रखते हुए जरा, ओके अब ये हमारी कंप्लीटली ड्रॉ हो गई है। लेट्स लेबल देम, एंडोस्टियम, एंडो ऑस्टियम, इनर सर्कम फेरेंशियल लेमिने लेमी लेमिले फेरेंशियल लेमिने, उसके बाद ये ऑस्टियोन्स, एवर्जन एवर्जन केनाल, उसके बाद यहाँ पे आउटर सर्कम फेरेंशियल लेमिले और पेरी ऑस्टियम। ये तो आपका हो गया एक व्यू, और आपका वॉकमैन केनाल वाला व्यू रहता है तो उसको भी कर लेते हैं। वो बहुत आसान है, उसमें इतना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है कि आपने जस्ट ये किनाल्स को आपस में एनास्टोमोस करवाना है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होती हैं, ये परफोरेट करते हैं और आपस में एनास्टोमोसिस होता है इनका, ओके एनास्टोमोस कर जाती हैं। तो जस्ट इनका एनास्टोमोसिस बना दें और बस सीधी सीधी लाइन्स इनको लगाएं। एनास्टोमोसिस किस तरह से करवाना है, ये इस तरह से इसके साथ एनास्टोमोस हो रहा है, ये वर्जिन सिस्टम जा रहा था ना, फिर यहां से एक वर्जिन सिस्टम जा रहा था तो वो उसके साथ एनास्टोमोस हो गया। दैट्स इट, और इधर आपने कुछ भी नहीं इतना करना। फिर आप जस्ट यहां से लाइनें इस तरह से ड्रॉ करें, ओके ये आपने ड्रॉ कर दिया, और जस्ट आपने इसमें ऑस्टियोसाइट्स लाइक तस्बीह के दाने इस तरह से इनको कर दीजिए। आप इनको तंग तंग भी बना सकते हैं, बहुत तंग तंग भी बना सकते हैं, लेकिन बिकॉज आई वेरी वेरी शॉर्ट टाइम एंड कवर ऑल एस्पेक्ट्स अबाउट द टॉपिक, सो मैं जरा इसको खुला खुला बना रहा हूँ। और एट द एंड जो हम करते होते हैं इनको डार्किन, बस केनाल्स का जरा ख्याल रखते हुए। ओके अब इनको लेबल कर लेते हैं, हम लेबल कर लेते हैं जनाब, क्या ये
ये वर्जन है, ये वर्जन कैनाल्स है, और ये आपके वॉल्कमैन वॉल्कमैन कैनाल। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज बोन एंड व्हाट इज देयर कंपोनेंट्स एंड हाउ टू ड्रॉ देयर डायग्राम्स। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।